द रेस्ट ऑफ मुंबई, एक छोटी जगह है और छोटे इस छोटी जगह में ये इलाका और भी छोटा है, और इसमें 6-7 गार्डन होना ये यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके पीछे जो दास साहब हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, उनका, अशोक पंडित जी का, यहाँ के जो विधायक हैं, उनका योगदान बहुत स्मरणीय है। ये तीसरा ऐसा है जिसका चीफ गेस्ट मैं रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ओपन स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस, इस तरह के शहर में जो कि कंक्रीट जंगल है, उसका होना बहुत ज़रूरी है, और न केवल हमारी जनरेशन के लिए बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी। स्वच्छ भारत और स्वच्छ श्वास मिलता रहे, ब्रीदिंग होती रहे, वो बहुत ज़रूरी है। और ये लगता छोटा है कि छोटे से ग्राउंड की ये हमारी जगह मिल गई है, अगर छोटे से ग्राउंड में इतने सारे पेड़, लोगों का चलना, और वो भी खासकर 2 साल के कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के बाद, वी नीड प्लेसेस, वी नीड स्पेसेस। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आ सका और इन लोगों का शुक्रिया अदा कर सका, क्योंकि इस तरह के गार्डन, मैं जहाँ से आता हूँ शिमला, कश्मीर, वहाँ तो हर जगह गार्डन ही गार्डन है, गार्डन के बीच में सड़क है। तो ये जगह बहुत, मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पर सख्त ज़रूरत है एक नई ऊर्जा के लिए, एक नए ब्रीदिंग स्पेस के लिए। इस तरह से मेट्रो सिटी में बहुत ही कम होते जा रहा है, पार्क हो या फिर ग्राउंड हो, बच्चों को भी सफ़र करना पड़ रहा है, और जिस तरह से ये बुजुर्गों को भी सफ़र करना पड़ रहा है। देखिए, कुछ लोगों का हमेशा मनोबल जो है वो बढ़ता है जब हम, और आप प्रेस भी देखिए, प्रेस आमतौर पर ऐसे फंक्शन में प्रेस को देखता नहीं हूँ ज़्यादा, पर आप प्रेस के पीछे जो लोग हैं वो इंसान हैं, वो भी इस शहर के नागरिक हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह की बात भी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। तो धीरे धीरे करके एक बूंद बूंद से, कहते हैं ना, सागर बनता है। तो और भी गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा, तो गार्डन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ओपन स्पेसेस बहुत ज़रूरी है, और हर प्रयास जो है उसको, उसकी सराहना की जानी चाहिए, उसको, उसका बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें इंस्पायर करते हैं, एंड मैं बहुत अच्छी बात है। श्री मनोज कुमार जी, आज जी ने जितना भारत को प्रमोट किया है हिंदुस्तान में, भारत में और भारत के बाहर, उसका कोई आज तक सानी नहीं रहा है। कोई ऐसा अकेला सिंगल फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर नहीं रहा है जिसने भारत को इतना प्रमोट किया है। तो ये तो छोटी सी जगह है सिम्बॉलिक उनके नाम से, बहुत सारे गार्डन, बहुत सारे शहर, बहुत सारी सड़कें मनोज जी के नाम से होनी चाहिए, क्योंकि देशभक्ति की फिल्में जो अब बनती हैं वो अलग किस्म की बनती हैं, जो बननी भी चाहिए, लेकिन मेरा तारुफ भारत से और भारत की उपलब्धियों से मनोज कुमार जी ने करवाया है, चाहे वो पूरब पश्चिम हो, चाहे वो शहीद हो, चाहे वो उपकार हो, चाहे वो शोर हो। शोर देखिए, उनकी जो फिल्म थी वो कहले कितनी पहले आई थी नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई मिस्ड हिम, कि वो खुद भी आते तो अच्छा लगता, मगर वो आए, उनका परिवार आया, और हम उनके शुक्रगुजार हैं एक नागरिक होने के नाते, एक सिनेमा प्रेमी होने के नाते, कि उन्होंने फिल्मों के ज़रिए, एक एंटरटेनमेंट के ज़रिए भारत की उपलब्धियां दुनिया तक पहुंचाई। सर, आपका एक ज़माना हुआ करता था कि आपके समय में बहुत ओपन स्पेसेस होते थे, आपको थोड़ा टहलने भी मिलता था, आज वो समय है, आप कैसे देखते हो आप इस समय? मेरा ज़माना तो आज भी है और मेरा ज़माना तो अगले 40-50 साल तक रहने वाला है। सवाल सर, आप सर, आप इतने कई सालों से समाज के लिए कुछ ना कुछ विषय उठाते रहते हैं, सर आप जैसे व्यक्ति दिल्ली में कहीं ना कहीं जानी चाहिए। मेरी इंडिविजुअल जो आवाज़ है, जो किसी के साथ जुड़ी ना हो पॉलिटिकली, तो शायद ज़्यादा बुलंद होती है, पर आगे का किसी ने कुछ कहा नहीं, बट फिलहाल तो मैं खुश हूँ एज एन इंडिविजुअल यहाँ आके और आप लोगों के साथ बात करके। सर, द कश्मीर फाइल्स का जम्मू में बहुत अच्छा प्रीमियर किया गया, बहुत लोगों ने बहुत, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार, मेरे कज़न ब्रदर, मेरे जान पहचान के लोग, मेरे दोस्त कल कश्मीर फाइल्स का जो स्पेशल स्क्रीनिंग जम्मू में, जो जम्मू में जो जगती कैंप्स में जो रह रहे हैं कश्मीरी पंडित, उनके लिए हुआ, और उनका रिस्पॉन्स नहीं कहा जा सकता, उनको अपनी सच्चाई देखकर बहुत सारे लोग बिलक बिलक के रो रहे थे, और इसका मतलब फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री और निर्माता पल्लवी जोशी ने उस कहानी को ठीक तरीके से पर्दे पर लाया है, और
भगवान करे कि ये पूरे देश में और पूरे विदेश में भी इसका ऐसा ही रिस्पांस मिले कश्मीर फाइल्स को। 11 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है और मेरा आपके ज़रिए मैं पूरे देश से बाकी लोगों से प्रार्थना करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि ऐसी फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जेनोसाइड कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उनको हम और तो कुछ नहीं दे सकते, उनके ज़ख्मों को भर सकते हैं उनकी कहानी सुनकर, उनकी कहानी सुनकर, उनसे सहानुभूति करके। सर एक आखिरी सवाल, एक विषय ऐसा था कि एक जमाना हुआ फिल्मों का, आज वो दिन नहीं रहे सर, क्या कहें? आए हैं, दोबारा आएगा। दो साल हमने जो लॉकडाउन में गुजारे हैं अभी आए हैं, अभी देखिए दो जो फिल्में रिलीज हुई हैं वो अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। ये जमाना रोज ही होता है, हम तो आज के आज में जीना चाहिए, उस जमाने में नहीं जीना चाहिए श्रीमान जी। थैंक यू सर, ये जमाना इम्पोर्टेंट है। नहीं, मुझे लगता है कि कश्मीर फाइल्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि 11 मार्च से जब ये 100% ऑक्यूपेंसी शुरू हुई है, और प्लीज़ देखने जाइए ये फिल्म। ये ऐसी फिल्म है जो इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो भारत का इतिहास है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, हर फिल्म ज़रूरी नहीं एंटरटेनमेंट से भरपूर होनी चाहिए, कभी कभी आंसू भी जो हैं वो आपको ऑक्यूपाई करते हैं, कभी कभी आंसू बहाना भी अच्छा है। नमस्कार, धन्यवाद। ओपन स्पेस वापस बनाने के लिए बड़ा स्ट्रगल आपने, आप सभी लोगों ने किया, बहुत बहुत बड़ी लड़ाई है इस गार्डन को बचाने की। ये बिल्डर, पॉलिटिशियंस, पूरा महकमा, ये सारे के सारे लोग जो है वो एक होके इन्होंने ज़मीन खा ली थी, पूरा लैंड माफिया था, उनसे हम लड़े, उनसे हम उनके साथ जद्दोजहद हुई हमारी, कोर्ट में लड़े, बाकी जगह लड़े, गुंडागर्दी हुई, धमकाया, डराया, सब कुछ हुआ। तो लगभग 20-22 साल की लड़ाई है और ये गार्डन आज बना। हमारे जो MLA हैं अमित साटम साहब, उन्होंने इसको डेवलप किया और दो मेजर प्लॉट हम लोग जीते हैं यहाँ पे जो स्कीम में, और ये बहुत बड़ी जीत है सिटीजन्स की। इसलिए वो आप एक्साइटमेंट देख रहे हैं, आप जो खुशी देख रहे हैं आप, तो लगातार ये लड़ाई चलती रही हमारी, लगातार ये जंग हमारी चलती रही और हमने छोड़ा नहीं। हमने यहाँ पर गलत तरीके से इलीगली टावर बनने दिए नहीं, हमने बच्चों के खेलने के लिए जगह छोड़ी, बुज़ुर्गों के लिए बैठने की जगह छोड़ी ताकि खुली हवा में वो यहाँ पर, यहाँ के लोग जो आके यहाँ पर बैठे। इसलिए आज हमने ओपनिंग इसके रखी थी ताकि लोग आए, अमित साटम साहब आए, अनुपम खेर साहब आए, मनोज जी के नाम पे इसको रखा है, मनोज कुमार साहब के नाम पे, क्योंकि हमारे रेसिडेंट भी हैं और बहुत ही एक्टिव भी रहे हैं हमारे साथ, तो इससे बड़ी भेंट नहीं हो सकती। एक सवाल आखिरी, अनुपम खेर सर जी आए और अमित साटम जी और कई सारे गणमान्य लोग आए, कितनी खुशी हुई देखकर? बहुत ही इंपॉर्टेंट खुशी है, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि हमारे इलाके के लोग जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो सब हमारे साथ हैं और कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग सब जो है साथ में ये जलसा मना रहे हैं, ये खुशियाँ मना रहे हैं। थैंक यू। जो ओपन स्पेस जो खुला 25 साल की लड़ाई के बाद आपने बहुत अच्छी भव्य स्पीच भी दी, लोगों को पसंद आया, कितने खुश है कि आज ये ओपन ग्राउंड खुला पब्लिक के लिए? सर, यहाँ के जो नागरिक है, सही मायने में ये पूरा श्रेय यहाँ के नागरिकों का है कि उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद में ये यहाँ के दो ओपन स्पेसेस यहाँ की जनता को मिले हैं, और मैं मानता हूँ कि ये श्रेय यहाँ की जनता का है और इसमें एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करने का उन्होंने मुझे भी मौका दिया। मेरे MLA फंड्स में से इसका डेवलपमेंट हो रहा है और आज ये मेरे MLA फंड से डेवलप होने वाला 35वां ओपन स्पेस है। ऐसे 35 ओपन स्पेसेस हमने पिछले 10 साल में डेवलप किए और कल शाम को 36वें ओपन स्पेस का हम उद्घाटन करने वाले हैं।